पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे रॉबर्ट कैल्डवेल के जीवन के बारे में। जन्म 7 मई 1814, मृत्यु 28 अगस्त 1891। मूल स्थान क्लेडली आयरलैंड, दर्शन भारत। आइए विस्तृत में हम ध्यान देते हैं। रॉबर्ट कैल्डवेल का जन्म एक गरीब लेकिन एक ईश्वरीय परिवार में हुआ था और उन्होंने 9 साल की उम्र में से काम करना शुरू कर दिया था। उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत ही कम होने पर भी उन्हें लंदन मिशनरी सोसाइटी के माध्यम से ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण का अवसर मिला। अपने समन्वय के बाद वह LMS की ओर से 1838 में मद्रास पहुँचे। स्थानीय लोगों तक पहुँचने की आवश्यकता को महसूस करते हुए उन्होंने तमिल भाषा में महारत हासिल की और सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। वह बाद में एक प्रतिष्ठित तमिल विद्वान बन गए और उन्होंने द्रविड़ भाषाओं का तुल्यात्मक व्याकरण लिखा जो बाद के मिशनरियों को भारत के इस हिस्से में सेविकाई करने में मदद की। G.U. पोप और बीजामिन शुतल्स जैसे मिशनरियों से कैल्डवेल काफ़ी प्रभावित हुए और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित रूप से काम किया। उन्हें 1877 में तिरुनेलवेली के बिशप के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने वहां कई परियोजनाओं को शुरू किया जिनके द्वारा लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आई। उन्होंने कस्बों और गांवों में स्कूलों की स्थापना की और कई उल्लेखनीय चर्चों का निर्माण किया, जिनमें से इंडियन गुड़ी में हॉली ट्रिनिटी चर्च एक है। स्थानिक सेवकों की मदद से उन्होंने क्रमबद्ध ईसाई समुदाय बनाने की योजना विकसित की। उनकी पत्नी एलिजा उनकी सभी मिशनरी गतिविधियों में उनकी ताकत और समर्थन थी। एलिजा ने कैल्डवेल के स्कूल निर्माण परियोजनाओं और जिले में फीता बनाने वाले उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनके द्वारा स्थानीय समुदाय को काफ़ी मदद मिली। तमिल लोगों के साथ कैल्डवेल का परिचय ने उन्हें व्यापक प्रतिष्ठा दिलाई, परंतु वे जीवन भर एक सरल और विनम्र व्यक्ति बने रहे और अपनी महान बुलाहट से कभी नहीं हटे। कैल्डवेल अपनी भेड़ों के लिए एक ईमानदार, सहानुभूतिपूर्ण, सतर्क चरवाहे थे। अपने प्रेरितों जैसे प्रयासों और उदाहरण के द्वारा उन्होंने सेविकाई के लिए कई स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया। उनकी सेविकाई ने केवल ईसाइयों का ही नहीं परंतु अन्य जातियों का चरित्र और स्थिति में सुधार लाया था। आधी सदी के श्रम के बाद वह 1891 में प्रभु के साथ रहने के लिए चले गए। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।